Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. आज मैं Dermalogica essential cleansing solution का review करूँगी. जैसा कि आप इसकी bottle देख रहे हैं, ये एक pump bottle है. और pump bottle का ये होता है कि ये काफ़ी easily use हो जाती है. और ये plastic की bottle है और इसका color जो है वो white color में है, और इसकी जो ऊपर writing लिखी हुई है वो जो है वो grey color में है. और इसमें है 50 ml. और ये ओपन होने के बाद जो है वो 12 मंथ आप यूज़ कर सकते हैं. मेड इन USA. और इसका ये है कि ये विदाउट जो है ये आर्टिफिशियल कलर, खुशबू और पैराबेंस के हैं. एक नॉन फोमिंग क्लींजिंग मिल्क है, यानी इसमें कोई झाग वगैरह नहीं आती इसकी. और ये रिच क्रीमी इसका टेक्सचर, अगर मैं आपको इसमें दिखाऊँ, इतना ही आपको एक पंप जितना आएगा आपको इतना ही ज़रूरत है आपकी गर्दन और आपके चेहरे के लिए. और ये बहुत ज़्यादा ड्राई और या ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है. इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में जो है वो ये है कि इसमें सॉफ्टफ्लावर ऑयल है. सॉफ्टफ्लावर जो है वो एक ज़ाफ़रान के फूल की किस्म है, बिल्कुल ज़ाफ़रान नहीं है लेकिन ज़ाफ़रान के फूल की किस्म है. उसमें उसको ऑयल डाला गया है. इसमें लेमन, पाइन कॉर्न, रोज़मेरी और हॉप्स का एक्सट्रैक्ट जो है वो मौजूद है. पाइन कॉर्न और जो लेमन है एक्सट्रैक्ट इसमें जो मौजूद है वो आपकी स्किन को साफ़ करने में और आपका मेकअप वगैरह रिमूव करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है और आपकी स्किन को बिल्कुल साफ़ कर देता है. जबकि सॉफ्टफ्लावर ऑयल, रोज़मेरी और हॉप्स जो है वो आपकी ड्राई स्किन को जो है वो नरिश करता है और आपके डीप कंडीशनिंग का काम करता है और आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या ड्राई है तो वो इस आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है. ये इसको आपने यूज़ इस तरह करना है कि आपने अपनी डैम्प स्किन, यानी आपने अपने स्किन को थोड़ा सा पहले वॉश कर लेना है, थोड़ी गीली हो वो, बहुत ज़्यादा गीली ना हो लेकिन थोड़ी बहुत गीली हो. उसके बाद आपने इससे चेहरे पर और गर्दन पर जो है वो सर्कल मोशन पर या मसाज करना है. बहुत ही लाइट, बहुत ज़ोर से नहीं करना, हल्का सा मसाज करना है. और चेहरे पे अगर आपने करना है तो अपवर्ड्स, यानी अपनी अपनी गर्दन से चिन की तरफ से ऊपर की तरफ लेके जाना है और उसे अच्छी तरह अप्लाई करना है अपने अपनी स्किन पे. हल्का सा मसाज करना है आपने अपनी स्किन पे और उसके बाद जो है कि आपने इसे गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से धो लेना है. और इसका ये है कि धोने के बाद ये बहुत इजीली साफ़ हो जाता है. ये इस तरह नहीं कि चिपचिपा है और आपकी स्किन के साथ चिपक गया है या आपको बाद में ऑयली फील आता है, ऑयली फील आती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये आप बहुत इजीली साफ़ हो जाता है. और इसके बाद आप अगर आप इसके बाद अपनी स्किन वॉश कर लेंगे तो आपकी स्किन आपको बिल्कुल सॉफ्ट और सपल फील होगी. ये स्किन के अंदर बिल्कुल जज़ब हो गया है थोड़ा सा मसाज करने के बाद. और इसके बाद जब आप ये ठीक से जज़ब हो जाए तो उसके बाद आप उसे वॉश कर लें. तो ये सर्दियों के मौसम के लिए बहुत ज़बरदस्त है. अगर आपके सर्दियों के में आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं. उसमें आप कहिए कि आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट एंड सपल फील होगी. और इसका ये है कि इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन जब आप इसे यूज़ करेंगे, जब इसका रिज़ल्ट मिलेगा, जो उसके बाद आपको इसके जो पैसे हैं वो पूरे हो जाएंगे. लेकिन जिनकी ड्राई स्किन होती है उन्हें मालूम होता है कि कितनी मुसीबत और कितनी परेशानी का बायस बनती है ये. तो इसलिए अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो बहुत ज़बरदस्त एक क्लींजिंग मिल्क है. अगर आपको मेरा ये छोटा सा रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबा दें.